ढूंढते होंगे समीक कुछ, कुछ लोग लो you know, लो लो चंगाई की खोज में है so they डू सम प्रेयर्स तो वो कुछ प्रार्थना करते हैं और दे गो समेयर और वो कहीं जाते हैं Someone tells them, go here, your prayer will be answered। कोई उनसे कहता है कि आप यहाँ पर जाओ आपकी प्रार्थना उत्तर होगी So once they get that miracle, तो जब उनको वो चमत्कार मिलता है then they stop seeking God। फिर वो परमेश्वर की खोज बंद कर देते हैं And sometimes they pray and they pray for years। और कई बार वो प्रार्थना वर्षो तक प्रार्थना करते है लेकिन कोई उत्तर नहीं आता सो देर इज राइट वे टू सी एन आंसर तो एक सही तरीका है जिससे हम खोज सकते हैं और उत्तर पा सकते है जहां पर हमें उत्तर मिलेगा लेट एस गो टू साम सिक्स वचन सहिता में ग्यारह वचन देखेंगे इट सेज गॉड हैज स्पोकन वंस टी है कि स, परमेश्वर ने एक बार कहा है लेकिन दो बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है गॉड इज नॉट पावर परमेश्वर सामर्थ नहीं है मैनी पीपल थिंक गॉड इज पावर बहुत लोग सोचते कि परमेश्वर ही सामर्थ है

सो डोन्ट मिस्टेक गॉड इज नॉट पावर तो इसे गलत ना समझे परमेश्वर सामर्थ नहीं है उसकी उपस्थिति उसके सामर्थ को लेकर चलती है लेट्स एक और वचन पर मुड़ेंगे 32 में 17 लॉर्ड गॉड बीहोल्ड यू हैव मेड द एंड द अर्थ बाय योर ग्रेट पावर एंड आउटस्ट्रेच्ड आर्म देयर इज नथिंग टू हार्ड फॉर यू एर्मिया 32 में 17 कहता है कि हे hey, प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है गॉड हैज मेड एवरीथिंग बाय हिज पावर परमेश्वर ने सब कुछ अपने सामर्थ से बनाया है देयर इज नथिंग टू हार्ड फॉर हिम उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है लेट्स टर्न टू वन मोर वर्स एक और वचन पर मुड़ेंगे पावर ऑफ गॉड wisdom ऑफ गॉड पहला पहला अध्याय चौबीस अवचन कहता है कि परंतु जो बुलाए हुए है क्या यहूदी क्या यूनानी उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है क्राइस्ट One or और Anointing. मसीह का मतलब यह है कि जो अभिषेक हुआ है या अभिषेक खुद इज क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड एंडम ऑफ गॉड कि मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है दावर ऑफ गॉड ये अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य है दोली स्पिरिट जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है दिन यू ये अभिषेक आपके अंदर है द पावर इज इन यू ये सामर्थ आपके अंदर है

बट दे no कोई सामर्थ नहीं है बाइबल से अपोसल्स स्पीच द गॉस्पल विद पावर विद डेमोन बाइबल कहता है कि प्रेरितों ने जो वचन बांटा है और दर्शाया है सामर्थ के साथ When the word is preached, जब वचन बांटा जाता है signs and wonders will follow। चिन्ह चमत्कार और अद्भुत बातें होती हैं। Let's see what the definition of power is। देखते हैं कि uh, विस्तार में देखते है की सामर्थ का मतलब क्या है It says the ability of doing anything. ये इसका मतलब ये है कि वो क्षमता कि हम कुछ भी कर The ability of moving or producing a change in something. ऐसी क्षमता जो किसी भी बातों में बदलाव ला सकते या हिला सकते हैं One more, it says force or strength. ये ऊर्जा या ताकत भी कहलाता है So we need God. तो हमें परमेश्वर चाहिए वी नीड टू अ रिलेशनशिप विद गॉड हमें उसके साथ एक रिश्ता होना चाहिए हमें उसकी सामर्थ्य के काम में ऐसे कहा गया है कि परमेश्वर ने सामर्थ दी एक्स चैप्टर वन वर्स एट के काम पहला अध्याय आठवें वचन पर मुड़ेंगे यू शैल रिसीव पावर वेन द होली स्पिरिट इज कम अपॉन यू And you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and ends of the earth. So don't just say, I need only God, I don't need power. And also don't say, I only need power when I get my answer.

एंड देन देखो ऐसे ना सोचे ये जो कलेसिया है वो बहुत पवित्र है मैं तो पापी आदमी हूँ मेरा जीवन पाप में बीत रहा है लेकिन अगर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिला तो आप यहाँ आना बंद ना करें His पावर उसके सामर्थ से वी गेट वेल्थ हमें संपत्ति मिलती है मनी पैसा वी गेट हीलिंग हमें चंगाई मिलती है ऑल द गुड स्टफ सारे अच्छी बातें हिस पावर इज ऑलवेज अवेलेबल

Then we get power in our appliances, right? फिर हमें हमारे यंत्र में पावर मिलता है example. Suppose there is a big balloon here in this room. दूसरा उदाहरण सोचो कि यहाँ पर एक बड़ा सा गुब्बारा है And we all are admiring the balloon. और हम सब उस गुब्बारे को देख रहे हैं Oh, so big it is. हा कितना बड़ा है ये Look so powerful. कितना सामर्थ्य दिख रहा है Look so beautiful. कितना सुंदर दिख रहा है

we will not get anything because we are only admiring the balloon हमको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम सिर्फ गुब्बारे को निहार रहे हैं we need to what what we should do हमें क्या करना है we'll poke that balloon हमें जाके उसको टोच देना है yes then everything will come out फिर सारी बातें बाहर आ जाएगी राइट सम टाइम्स वन पर्सन पोक्स कई बार सिर्फ एक ही व्यक्ति टोचता है एंड एवरीबॉडी इन द रूम गेट द बेनिफिट और जो कमरे में जितने भी लोग हैं सबको उसका फायदा मिलता है फ्री मुफ्त में तो पावर इज़ अवेलेबल हर जगह उपलब्ध है लेट्स इन द बाइबल देखेंगे एक स्त्री है बाइबल में टैप्ड द पावर ऑफ गॉड उसने परमेश्वर के सामर्थ को छू लिया सो माई टूडेज मैसेज इज तो मेरा आज का संदेश है हाउ टू टैप कैसे सामर्थ में इन टू द पावर ऑफ गॉड प्रवेश करे परमेश्वर के लेट्स टर्न टू मार्क चैप्टर फाइव हम मरकुस उसके पांचवे अध्याय में मुड़ेंगे वर्स 25 और 25वां वचन इट सेज नाउ अ सर्टेन वुमन हैड अ फ्लो ऑफ ब्लड फॉर 12 इयर्स वैसे कहते हैं एक, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था एंड हैड सफ़र्ड मेनी थिंग्स फ्रॉम मेनी फिजिशियंस और जिसने बहुतों वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था शी हैड स्पेंट ऑल दैट शी हैड एंड वाज नो बेटर बट और अपना सारा माल उसने व्यर्थ कर दिया लेकिन कुछ ठीक न हुई बट राधा हालत और बेहद बदतर से बुरी हो हो गई। परमेश्वर की प्रशंसा डॉक्टरों के लिए। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ मेनी पीपल नॉट बी अलाइवेर बहुत सारे लोग जीवित नहीं बचते अगर वो नहीं होते तो बट समाइम लेकिन कई बार मैन डोन्ट है मनुष्य के पास सारे उत्तर नहीं होते इट मे बी ये चंगाई हो सकती है इट मे बी मनी ये पैसे का विषय हो सकता है वट एवर इज यू जो भी आपकी कठिनाइयां हैं मैन डेव दी आंसर मनुष्य के पास सारे उत्तर नहीं मैन इज अर्स अब बाइबल तो ऐसे कहता है कि मनुष्य पर भरोसा करना एक श्राप के समान है सत्रह में कहता है

और ठीक होने के अलावा शी हेज बिकम वर्स वो बदतर से बुरी हो गई शी केम टू द एंड ऑफ द लाइन वो अपनी सीमा के अंतिम चरण में पहुंच गई टूडे मे बी सम ऑफ यू और यू नो यू मे बी यू मे हैव कम टू द एंड ऑफ द लाइन आज आप में से कुछ लोग को ऐसे लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है मे नॉट बी हीलिंग बट मे बी यू आर कम टू द एंड यू आर you are in a particular level for years maybe 5 years 12 years you're in a level in your business in your job in your career or whatever it may be even healing and you are come to a level and you are stuck and you are you are wondering i am the same or i am worse अगर कुछ सालों से आप एक ही जगह पर हो अगर पांच साल हो गया होगा दस साल होगा और आप अपने अगले पढ़ाव में नहीं पहुंच रहे हो ये कुछ भी हो सकता है आपका व्यापार हो सकता है आपकी चंगाई हो सकती है और आप वहां पर अटके या फंसे हुए हो डोंट से वॉट इज द यूज ऑफ बिलीविंग गॉड ऐसा मत कहो कि क्या फायदा परमेश्वर पे विश्वास करने का देर इज होप यहां पर आशा है टूडे यू विल गेट यू आंसर आज आपको आपका उत्तर मिलेगा Let's see verse his garment." देखेंगे बहुत ही मुख्य वचन है ये कहता है कि येशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया So step one. तो पहला कदम You need to hear. आपको सुनना है What you need to do? आपको क्या करना है यू नीड टू हियर आपको सुनना है वर्स 28 28वां वचन फॉर शी सेड क्योंकि वो कहती थी इन द ओरिजिनल इट सेज शी केप्ट सेइंग जो uh, असली जो uh, ये अनुवाद है उसमें कहता है कि वो बोलती रही इफ ओनली आई मे टच हिज क्लोथ्स आई शैल बी मेड वेल यदि मैं उसके वस्त्र को छू ही लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी स्टेप 2 दूसरा कदम कीप सेइंग आपको कहते रहना है वॉट यू नीड टू से आपको क्या दोहराना है वॉट यू हर्ड जो आपने सुना है फ्यू चैप्टर्स बिहाइंड इट्स लुक सिक्स इट से गॉट हीय पीछे मुझे लगता कि लुका छः में ऐसे, ऐसे उसने सुना है कि जितने लोगों ने पर येशु के वस्त्र को छुआ उनको चंगाई मिली ऐसा उसने सुना था

मंगलवार अच्छा अगले मंगलवार को नो नहीं इट इट उसी वक्त नेक्स्ट नहींटली वो ऐसे नहीं कहता कि अगला मंगलवार उसी समय सो स्टेप थ्री तीसरा कदम यू हैव टू डू वॉट यू से आपको वो करना है जो आप कह रहे हो स्टेप वन सबसे पहला कदम योर आपको सुनना है स्टेप टू दूसरी बात से आपको दोहराना है स्टेप तीसरी बात इज डू आपको करना है वॉट टू डू आपको क्या करना है सम पीपल आर ओनली डूइंग ओनली कुछ लोग सिर्फ कर ही रहे हैं विदाउट हियरिंग सुने बगैर एंड देन दे थिंक आई एम अ बिलीवर एंड आई रीड द वर्ड एवरी डे

विश्वास करना है बोलना है फिर करना है क्योंकि कहता है है, कि आपके के जो भंडार से भरा हुआ उसके बाद ही आप बात करते हो। तो कुछ लोग सिर्फ सुन ही रहे हैं एंड बिलीविंग और विश्वास कर रहे हैं। एंड दे नॉट स्पीकिंग और वो बोल नहीं रहे नॉट डूइंग और वो कर नहीं रहे दे विश्वास को लेकर सिर्फ खा रहे सिर्फ कुछ कर रहे नहीं आगे लाइक दे आर ओनली ईटिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग वो सिर्फ खा ही रहे लेकिन कुछ कसरत नहीं कर रहे डोंट बी लेजी इन फेथ आप ऐसे आलसी ना बने विश्वास में सो so योर तो सुनना है आपको बिलीव विश्वास करना है स्पीक बोलना है एंड डू और फिर करना है सम पीपल आर ओनली स्पीकिंग कुछ लोग सिर्फ बोल ही रहे हैं पास्टर इज सेड ना मैन ऑफ गॉड से ऑन YouTube ऑल्सो यू मस्ट कन्फ्यूज द वर्ड कन्फ्यूज दर्ड कन्फ्यूज दर्ड दे आर ओनली कन्फ्यूसिंग पासबान ने हमें कहा है ना कि यूट्यूब में भी बहुत सारे परमेश्वर के दास कह रहे की परमेश्वर की वजह की घोषणा करो घोषणा करो घोषणा करो घोषणा ही कर रहे हैं वॉट यूर कन्फ्यूसिंग आप क्या घोषणा कर रहे हो पॉजिटिव कन्फ्यूशन असकारात्मक घोषणा है पॉजिटिव कन्फ्यूशन में डूब जाएगा पॉजिटिव कन्फ्यूशन इज यू नो वॉट इज लाइक सेव अ प्रॉब्लम बट आई एम जस्ट स्पीकिंग समिंग पॉजिटिव अंगिकार करना क्या होता है कि आप समस्या में हो लेकिन आप सकारात्मक अंगीकार करो कि मैं ठीक हो जाऊंगा मेरा ठीक हो जाएगा बाइबल डजन से पॉजिटिव कन्फ्यूशन बाइबल ऐसे सकारात्मक अंगीकार करना नहीं कहता You have to speak the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को कहना है. You want healing? आपको चंगाई चाहिए. Which words are you believing? कौन सा वचन पर आप विश्वास कर रहे हो? When I get a symptom, जब मुझ में कोई लक्षण दिखते हैं, I ask, I check inside. What God is speaking? Which words? तो मैं

On the way, I am walking, और रास्ते में दिख रहे थे मैरिज आई हर्ड अ वर्स एंड आई न्यू विच इज द गर्ल तो आपको सुनना है कौन सा वचन विवाह के विषय में भी मैंने ये वचन सुना और मुझे पता चला की कौन सी स्त्री है आई डेंट गो हंटिंग

when you're walking obviously many people will touch you us भी, right? भीड़ में जब आप चलते हो तो बहुत सारे लोग आपको छुएंगे how does jesus know that one particular touch कैसे यीशु मसीह को वो एक एक एकमात्र वो एक छुवन में उसको पता चल गया verse 46 46 वा वचन but jesus said somebody touched me फॉर आई परसिव्ड पावर गोइंग आउट फ्रॉम मी परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ और है और क्योंकि मैंने जान लिया की मुझमें से सामर्थ निकली है One touch, Jesus recognized. एक स्पर्श को यीशु मसीह ने पहचान लिया lady has come in pain, blood is flowing, and she has come in the crowd. She could have said, "No, nah, I'll sit at home and I'll only do positive confession." ये स्त्री दर्द में आई है, उसका लहू बह रहा था, और फिर भी वो भीड़ में आई है, वो भी ऐसा कह सकते थे कि मुझे क्यों जाना चाहिए? मैं भी सकारात्मक अंगीकार करते रहूं घर बैठकर. Would she get her healing? She would not get her healing. क्या उसको अपनी चंगाई मिल पाती? उसको अपनी चंगाई नहीं मिलती. She had to confess and do something. उसको कुछ तो अंगीकार करना था और कुछ कार्य करना था. verse, uh, let's go back to mark, chapter 5, verse 32. and he looked around to see her who had done this thing, verse 33. but the woman fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. so this lady understood now, khul gaya. so better i say.

my power has made you well वो ऐसे भी कह सकता था कि बेटी मेरी सामर्थ्य ने तुझे ठीक कर दिया पावर वेंट आउट ऑफ हिम राइट सामर्थ्य उसके अंदर से बाहर आई सही पावर ओनली हैज मेड हिम वेल सामर्थ्य ने ही उसको चंगाई दी है बट ही सेड योर फेथ हैज मेड यू वेल लेकिन उसने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है वर्स 28 गो बैक टू वर्स 28 पीछे थोड़ा जाएंगे 28वां वचन देखेंगे फॉर शी सेड इफ ओनली आई मे टच सी शी सेड

Her actions lined up with her speaking. उसका जो कार्य है क्रिया है जो वो बोल रही थी उसे मेल खा रही थी कुछ बोल नहीं रही थी और कुछ और नहीं कर रही थी हॉर बिलीविंग हर यंग एंड डूइंग सेम लाइन उसका जो सुनना उसका विश्वास करना उसका बोलना और उसका क्रिया करना सब एक ही समान थे So you need to hear, तो आपको सुनना है एंड बिलीव फिर आपको विश्वास करना है स्पीक आपको बोलना है एंड करना है देर आर थ्री to एक्टिवेट द पावर ऐसे तीन तरीके है जिस हैं जिससे हम परमेश्वर की सामर्थ को एक्टिवेट कर सकते हैं लेट्स टर्न टू Philippians टू Philippians टू फिलिपियो दो में मुड़ेंगे वर्स फाइव पांचवा वचन लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीजस ये मन आप में भी हो जैसा यीशु में भी था इन ट्रांसलेशन इट लेट दिस स्वभाव आप में रहे टुडे हाउ इज आर एटीट्यूड आज हमारा स्वभाव कैसे है यू शुड क्राइस्ट आपके पास यीशु मसी का स्वभाव होना चाहिए विक्स हु बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड डिड नॉट कंसिडर इट रॉबरी टू बीवल विद गॉड छमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा बट मेड हिम सेल्फ ऑफ नो रेपेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड सर्वेंट एंड कमिंग इन द लाइकनेस ऑफ मैन वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया जीजस

अगर कल को परमेश्वर आपको कहता है कि हो गए अपनी नौकरी को छोड़ दो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो टिम्बक टू में चले जाओ हाउ मेनी ऑफ अस आर विलिंग आप में से कितने लोग तैयार होंगे जाने के लिए एंड गो देर एंड डाई और वहां जाकर मरेंगे That's what what God told Jesus. See what is verse eight. And being found in appearance as a man, he he humbled himself and became obedient to the point of death, इवन द क्रॉस और वैसे ही पिता ने यीशु से कहा और आठवें वचन में वो ऐसे कहता है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली Now you don't need to die। अभी आपको मरने की आवश्यकता नहीं है Jesus has died for you। यीशु मसीह आपके लिए मर चुके हैं okay. But you need to die। लेकिन आपको मृत्यु पाना है Every day you should die। हर दिन आपको मृत्यु पाना है You should die to yourself। आपको अपने शरीर के लिए मृत्यु पाना है।, okay. है।, है So Jesus left his reputation, came to earth, died for you and me। तो यीशु ने अपनी रेप्यूटेशन को छोड़ा पृथ्वी पर आए और हमारे लिए अपनी जान दी He went

सो द नेम ऑफ जीजस इज अबाउ एवरी नेम तो यीशु मसीह का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है सो द नेम हैज power तो उसके नाम में वो सामर्थ है वो एक तरीका है। यू कैन से नेम आप उसके नाम का उपचार कर सकते द नेम इज द पासवर्ड उसका जो नाम है वही पासवर्ड है दैट एट Jesus एवरी नी शुड bow ऑफ दोन ऑफ दोन आर्थ एंड ऑफ दो टूड कन्फेस दट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड टू द ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर की जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब ये के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि येशु मसी ही प्रभु है This name is for everyone. ये जो नाम है वो सारों सबके लिए। You can be of any religion. आप किसी भी धर्म के हो सकते हो। I'm a Parsi. मैं पारसी जाति का हूँ। I believe in Jesus. लेकिन मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। And I use his name. और मैं उसके नाम का इस्तेमाल करता हूँ। You may be low caste. आप नीचे जाते के हो सकते हो यू मे बी हाई कास्ट आप ऊंचे जाते के हो सकते हो बट यू कैन यूज एवरी लेकिन आप उस नाम का इस्तेमाल कर सकते हो जो सारे नामों में श्रेष्ठ है That name has power. उस नाम में सामर्थ है लेट्स टर्न टू एक्स चैप्टर 2 वर्स वन तो के काम दूसरा अध्याय पहले वचन में मुड़ेंगे सेकंड वे और सेकंड वे टू

So here it says with one accord. Then you know what happened. And suddenly, verse 2, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then they appeared to them divided tongues of fire, and one sat upon each one of them. एंड दे वील्ड विदिरिट एंड बिगे विदर टंग दूसरा वस्चन ऐसे कहते हैं कि अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीबे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठरी स्पीकिंग इन टंग्स इज द गेट वे टू द पावर ऑफ गॉड

जूड यहुदा वर्स ट्वेंटी बट यू बिलव इट बिल्डिंग योर सेल्स अप ऑन द मोस्ट ऑन योर मोस्ट होली फेथ प्रेइंग इन द होली स्पिरिट यूदा पहला अध्याय बीस वचन पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए So you have to build your faith by speaking in tongues. So आपको अपने विश्वास को बांधना है अन्य भाषा में बातें करके. Let's turn to Proverbs 18:21. नीति वचन 18:21 में मुड़ेंगे. Death and life are in the power of God, and those who love it will eat its fruit. जीप के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उससे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेंगे। Some people say जब ही उसको लेना है ऊपर वो लेगा। बट बाइबल से जभी तुम बोलोगे तभी तुम जाओगे ओके ऑफकोर्स गॉड हैज एन अपॉइंटेड टाइम बट इफ यू स्पीक देथ यू विल गो अर्ली हाँ सच में परमेश्वर का एक नियुक्त समय है लेकिन अगर आप मृत्यु बातें करते रहोगे तो आप जल्दी ही जाओगे डोन्ट गो अर् आप जल्दी ना जाओ देव द चॉइस यू कैन स्पीक देथ और यू कैन स्पीक लाइफ तो जीवन और मृत्यु इसका चुनाव आपको करना है आप जीवन भी बातें कर सकते हो आप मृत्यु की बातें भी कर सकते लाइफ मीन ब्रीदिंग जीवन का ये मतलब higher वे ऑफ लाइफ एक और बड़ा तरीका है जीवन का That इज God's लाइफ वो है परमेश्वर का जीवन कैन गॉड गेट सिक क्या परमेश्वर कभी बीमार हो सकते हैं कैन गॉड भी पुअर क्या परमेश्वर गरीब हो सकते हैं यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ लाइफ आपको उस तरीके का जीवन मिल सकता इफ यू स्पीक दर्ड ऑफ गॉड अगर आप परमेश्वर का वचन बोलोगे तो दर्ड ऑफ गॉड हैजर इन इट सेल्फ टू एक्लिश वॉट इट सेमेश्वर के वचन में खुद में ही इतनी सामर्थ्य की वो जो कहता है वो उसे पूरा करेगा सो यू चेक वॉट यू आर स्पीकिंग तो आप इसका ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हो There are times times coming where, you know, we have to tune tune, our tongue, fine -tune, because there's times coming where people who talk correct will live correct. ऐसा समय आ रहा है जहां पर हमें अपने जबान को काबू में लाना है जो लोग ठीक से सही तरीके से बात करते वो लोग सही और ठीक तरीके का जीवन भी बिताएंगे नाउ We saw three ways. अभी हमने तीन तरीके देखे द नेम ऑफ जीजस यीशु मसीह का नाम द प्रेइंग इन टंग्स अन्य भाषा में प्रार्थना करना एंड वॉट यू आर स्पीकिंग और जो आप कह रहे हो वो नाउ लेट सी वेर इज दिस पावर अभी देखेंगे कि ये सामर्थ कहाँ है वेन जीजस वॉज ऑन अर्थ ही वॉज द पावर सोर्स जब यीशु मसीह धरती पर थे तो ये सामर्थ का स्रोता वो थे That's why people ran and touched him. इसलिए लोग भाग कर जाके उन्हें स्पर्श करते थे

उस उन दिनों में लोग दूर दूर की यात्रा करते थे जस्ट टू टच हिम और टू योर वॉट इज सेम सिर्फ उसे स्पर्श करने के लिए या सुनने के लिए वो क्या कह रहे हैं टूडे मेनी पीपल डोट टू ट्रेवल आज बहुत सारे लोगों को कहीं नहीं जाना इट्स टू फार ब्रदर ये बहुत दूर है भाई मेरा <laughs> भी uh, are we? Jew, na? Jew is too far, brother. कहा है हम झू में है ना ये झू बहुत दूर है हम ऐसे बात करे जैसे कि ये तो अमेरिका में है नाउट इज अमेरिका इज ऑल्सो नियर आज के दिनों में तो अमेरिका भी बहुत नजदीक आ गया ऑफ लाइट इन यूर इन इन अमेरिका आप हवाई जहाज में बैठो और कुछ घंटों में आप अमेरिका पहुंच जाओगे सम ऑफ यू वॉन्ट गो टू अमेरिका आप में से कुछ लोगों को अमेरिका जाना है यू विल गो टू अमेरिका आप अमेरिका जाओगे आप में से कुछ लोगों को यूरोप जाना है

और प्रेम और संयम की आत्मा दी है गॉड इज गिवन एस ए स्पिरिट ऑफ पावर परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है द पावर इज इन साइड यू ये सामर्थ आपके अंदर है पावर सोर्स उन दिनों में यीशु मसीह सामर्थ का स्त्रोता थे इफ यू आर स्पीकिंग इन टंग बिलीव इन जीजस द पावर इज इन साइड यू अगर आप अन्य भाषा में बातें करते हो यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो ये सामर्थ आपके अंदर है इफ यू डोंट बिलीव इन जीजस यू आर नॉट स्पीकिंग इन टंग्स अगर आप में विश्वास नहीं करते अन्य भाषा में बात नहीं करते तो आज आप ये में विश्वास कर सकते हो अन्य भाषा में बात कर सकते हो और उसे कह सकते कि मुझे तेरे आत्मा से भर दे और आपके पास भी सामर्थ होगा सो द पावर इज इन ये जो सामर्थ है वो आपके अंदर है यू हैव टू एक्टिवेट इट आपको इसको शुरू करना है यू कैन टैप इन टू इट आपको छू लेना है

According to the power that works in us. The power is in you. <inaudible> Acts 1 8. <inaudible> but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. You want to be powerful? <inaudible> Preach the gospel. <inaudible> if you are not preaching the gospel, आप सुचार नहीं बांटोगे तो आप एक ही जगह पर अटके में पॉवर ऑफ गॉड टू सालेशन फॉर एवरी वन हुव फॉर द जू फर्स्ट एंड ऑल्सो फॉर द ग्रीक द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड ये शु मसीह का सुचार ही परमेश्वर का सामर्थ है पावर ऑफ गॉड ये परमेश्वर का सामर्थ है प्रचार कर रहे हो प्रीच गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट ये का सुसमाचार बांटो डोट जस्ट प्रीच गॉस्पल ऑफ स्टोरी कहानियों का कोई सुसमाचार न बाटो ओके प्रीच द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट दैट इज द पावर ऑफ गॉड ये मसीह का प्रचार करो यही परमेश्वर की सामर्थ है so you want to be powerful. तो आपको सामर्थ्य बनना है गॉस्पल तो आपको सुसमाचार बांटना है you will preach to? कितने लोगों को आपको बांटना है How many? कितने लोग एक व्यक्ति काफी है अगर लाता हूँ उसको तो You can preach to thousand. आपको हजारों को बांटना है says a little one will become thousand. Bible कहता है कि एक छोटा बालक हजार बनेगा So you can preach to thousand. तो आप एक हजार को प्रचार कर सकते हो सो गॉड इज प्रेजेंट योर तो परमेश्वर यहां पर उपस्थित है लेट्स टर्न टू एक्ट में मुड़ेंगे एंड स्टीफन फुल ऑफ फेथ एंड पावर डिड ग्रेट वंडर्स एंड साइंस अमंग द पीपल और स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्स्य परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था वे यू प्रीच विल बी पीपल तो जब आप सुसमाचार बांटोगे तो आप चिन्ह चमत्कार देखोगे लोगों के बीच में Then you will grow in power. फिर आप में बढ़ोगे वंस आई वॉज टॉकिंग टू my मुस्लिम फ्रेंड एक बार मैं अपने मुसलमान भाई से दोस्त से बात कर रहा था so he was इन डिप्रेशन तो वो डिप्रेशन में था ही was कमिटिंग सुसाइड

फिर uh, हमारी बात खत्म हो गई मैं उसे द्वार तक लेके जा रहा था एंड देन गॉड से डोंट लीव हिम छोड़ना मत उसको जाएगा तो वापस फिनिश्ड देन आई सेड ओके गॉड सो आई प्रेड पुट माय हैंड ऑन हिम प्रेड फिर मैंने क्या किया अपने हाथ उस पर रखे और प्रार्थना की दिस गाय इज इन डिप्रेशन कमिटिंग सुसाइड अभी ये निराशा में है ये व्यक्ति ये मरने की सोच रहा है सो एज आई प्रेड जैसे मैंने प्रार्थना की आई फेल्ट मुझे मुझे ऐसे ऐसे लगा कि कि कुछ तो तो मेरे हाथों से उसके अंदर चला गया। गया गया पता चल अब हो है। 2014 समथिंग ये 2014 की कुछ बातें होगी passed। 10 साल हो गए नॉट सुसाइड एक भी आत्महत्या का विचार नहीं आया सो व्हेन यू शेयर अबाउट शेयर द गॉस्पेल जब आप सुचार बांटते हो पावर विल बी देर सामर्थ वहां होगा साइंस विल फॉलो चिन्ह आपके पीछे आएंगे विल फॉलो चमत्कार आपके पीछे आएंगे सी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देखो मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था बट देन आई एम नॉट टॉकिंग बैड अबाउट मोजीज आई रिस्पेक्ट हिम देन ही वॉज दे गोइंग गॉड वॉज लीडिंग देम टू द केन इन लैंड देखो मैं मूसा के बारे में कुछ उपशब्द नहीं कह रहा मैं उसका आदर करता हूँ परमेश्वर उनको कनान देश में लेकर जा रहे थे सो गॉड वॉज लीडिंग दैम एंड इन नंबर यू सी इट सेज दे कन्फेस समथिंग तो परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहे थे और गिनती की किताब में आप देख सकते हो कि वो कुछ तो अंगीकार करने लगे सम लीडर्स स्पोक नेगेटिव कुछ, कुछ अगुओं ने नकारात्मक बातें की सम स्पोक गॉड्स वर्ड कुछ अगवों ने परमेश्वर के वचन कहे एंड ओनली द गाइस हु स्पोक गॉड्स वर्ड वेंट इनटू द कनान लैंड और जो लोग परमेश्वर के शब्द जिन्होंने दोहराए वही लोग सिर्फ कनानी देश में गए नाउ यस्टरडे आई रियलाइज्ड व्हाई मोसेस डिड नॉट एंटर अभी कल ही मुझे ये समझ में आया कि क्यों मूसा प्रवेश न कर पाया देर इज अ टाइम एंड गॉड इज ऑपरेटिंग लिटिल डिफरेंटली एक ऐसा समय होता है जहां पर परमेश्वर किसी अलग तरीके से काम करते हैं। गॉड वॉज एक्सपेक्टिंग मोजिस विल स्पीक टू द रॉक परमेश्वर यह चाहते थे कि मूसा उस पत्थर से बात करे बट ही हिट द रॉक लेकिन उसने पत्थर पर लाठी चलाई

और लड़ना है ना प्रेजेंस हो गया इन प्रेजेंस अभी उपस्थिति हो गया उपस्थिति काफी है यूर कमिंग संडे मॉर्निंग लॉर्ड ऑफ प्रेजेंस आप रविवार के सुबह आ रहे हैं बहुत उपस्थिति है नाउ गो अभी जाना है आप एंड प्रीच द गॉस्पिल और सुसमाचार प्रचार कर यू हैव सिक्स डेज अगले छह दिन प्रीच द सुसमाचार प्रचार करना है कन्फेस अंगीकार करो एंड प्रीच द गॉस्पिल और सुसमाचार प्रचार करो सो यू हैव इनफ ऑफ प्रेजेंस आपके पास काफी है परमेश्वर की नाउ यू गो टू फाइट द गुड फाइट अभी आपको विश्वास की अच्छी कुछ लेट्स टर्न टू चैप्टर सिक्स वर्स ट्वेल्व द गुड फाइट ऑफ फेथ ले होल्ड ऑन ऑफ इटर्नल लाइफ ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ टू विच यू आर ऑल्सो कॉल्ड एंड हैव द गुड कन्फेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी विटनेसेस सम पीपल आर फाइटिंग कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ लेकिन बाइबल कहता है की विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सी इट कन्फेशन देखो वो कहता है अंगीकार वो हाउ यू टू फाइट विद योर कन्फेशन आपको कैसे लड़ना है अपने अंगीकार के द्वारा जोशो इन केल स्टार्टेड विद

परमेश्वर के वचन से ढूंढ लो वो अंगीकार क्या है मीडिया के लेट मी गिव इट टू यू कम ऑन चलो मैं आपको दे वन कन्फेशन। एक साम वर्स थंडर्स द लॉर्ड इज ओवर मेनी वॉटर्स द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज पावरफुल द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज फुल ऑफ मैजिस्टी द वॉइस ऑफ द लॉर्ड ब्रेक्स द जो पर yes. आवाज है ये बहुत ही सामर्थ्य है यू वॉन्ट विच एवर माउंटेन यू वॉन्ट टू कॉन्च यू वॉन्ट बिजनेस फाइंडर फॉर योर बिजनेस आपको किसी भी पहाड़ पर अगर कब्जा करना है आपको व्यापार का पहाड़ चाहिए तो एक वचन ढूंढ ले जो व्यापार के विषय में लाइक जोशो एन केलब

ये उसी तरीके समानता में जैसे कि वो आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हो सो फाइट द गुड फाइट तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े सुनिए, विश्वास करिए, बोलिए और फिर क्रिया करिए। चेक इफ ऑल आर इन लाइन देखो आप सब एक लाइन में ही इसे कर रहे हो एवरीथिंग सारी बातें इफ इट्स नॉट इन लाइन अगर ये एक लाइन uh, में नहीं है चेक वॉट आई नीड टू पुट इन लाइन देखो कि एक के बाद एक क्या मुझे ठीक करना है आज द होली स्पिर आत्मा से पूछिए फॉर हिस्स उसकी मदद यून इनजिंग परमेश्वर आपकी मदद करेंगे बांटने के लिए भी प्रेजेंस ऑफ गॉड तो अभी आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति आप आज आनंद उठा रहे हो प्रेजेंस ऑफ गॉड अभी भी उपस्थिति में ही है पावर ऑफ गॉड इन यू और आपके पास परमेश्वर हैीच टू समी और किसी को प्रचार करे एंड सी द पावर और सामर्थ को देखे ओके दैट डे वेन आई स्पोक टू माई फ्रेंड आई वॉज आई वॉज नॉट फीलिंग पावरफुल पावर यू कैन फील पावर और उस दिन जब मैं अपने मित्र से बात कर रहा था उस दिन मैं इसे ताकतवर महसूस नहीं कर रहा था यह सामर्थ आपको महसूस नहीं होगा कि सामर्थ है गॉड पावर इज हिज सामर्थ उसकी है चैनल हम सिर्फ एक जरिया है